हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो 5 में। आज हम बात करने वाले हैं, जो आपने एसटीसी पे मादा कार्ड अप्लाई कर दिया, अगर आपके पास आपका मादा कार्ड आ गया है तो उस मादा कार्ड आने के बाद फिर उसमें हम जो 4 डिजिट का पिन होता है, जो हम यूज करते हैं एटीएम में 4 डिजिट का पिन, जो पैसे निकालने में या पैसे डिपॉजिट करने में, उस पिन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं तो वो पिन वही आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप भूल जाते हैं या आपको याद नहीं रहता तो हम उस पिन को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले कि हम एसटीसी पे मादा कार्ड का पिन कैसे चेंज कर सकते हैं और नया पिन कैसे बनते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, और देखते हैं कि कैसे हम पिन चेंज करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हमें आ जाना अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद हमको एसटीसी पे ऐप को ओपन कर लेना है। एसटीसी पे ओपन करने के बाद अगर आपका फिंगर है तो आप फिंगर से ओपन करें, अगर आपका पासवर्ड आपने डाला तो आप पासवर्ड डाल के उसको ओपन कर सकते हैं। चलिए हम इसको फिंगर से ओपन करते हैं। अब ये देख सकते हैं, ये मैंने अभी अपना एसटीसी पे ऐप ओपन कर लिया है। ठीक है, एसटीसी पे ओपन करने के बाद आपको आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए, जो मादा कार्ड हमने अप्लाई किया है, ये मादा कार्ड जो आपको दिख रहा है, इसका हमें पिन चेंज करना है। पहले तो हमने वीज़ा कार्ड में डाला था, सेम पिन वही रहेगा, लेकिन हमको अपनी सेफ्टी के लिए या प्राइवेसी के लिए हमको इसको अपना पिन चेंज करना है। ठीक है, तो वही आज मैं आपको चेंज करके बताऊँगा इस मादा कार्ड का पिन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ कार्ड्स, तो हम कार्ड्स पर क्लिक करेंगे। कार्ड्स पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा एसटीसी पे मादा कार्ड, ये वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये मेरा डिजिटल कार्ड है। ठीक है, तो हमको फिजिकल कार्ड जैसे हमको ये है, तो हमको इस कार्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, हम इस कार्ड पे जब क्लिक करेंगे, कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो ये पार्ट आ जाएगा, इस तरह का इंटरफेस, तो आप यहाँ पर देख सकते कार्ड पिन, यू कैन चेंज द पिन ऑफ योर कार्ड हेयर। ठीक है, तो आपको यहाँ से अपना कार्ड, आप कार्ड का पिन नंबर जो है 4 डिजिट का, वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो आपने वीज़ा कार्ड में डाला होगा, या कभी ऐसा हो जाता है कि प्राइवेसी की वजह से कोई जान जाता है या कुछ हो जाता है, तो हमको चेंज करना है, तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस पर चेंज पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज नीचे। ठीक है, इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा, नीचे लिखा हुआ चेंज, तो हमको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर लिखा है डिफाइन ए पिन कोड फॉर योर कार्ड, यानी कि आपको कोई आपका पिन कार्ड यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो मैं चलिए यहाँ पर अपना पिन कार्ड डालता हूँ जो मुझे चाहिए। मैंने यहाँ पर अपना कार्ड पिन डाल दिया। अब मैं फिर दोबारा से यहाँ पर अपना कार्ड नंबर डालता हूँ, यानी आपको जब आप डालेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रिपीट, यानी कार्ड पिन, यानी फिर आपको वही डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, एसटीसी पे पासवर्ड, टाइप योर एसटीसी पे पासकोड, जो आपने पासकोड होगा, अगर आपने पासकोड डाला होगा तो आपको यहाँ पर पासकोड डालना पड़ेगा। अगर आपका फिंगर है तो जैसे आप क्रिएट पिन 2 बार डालेंगे उसके बाद आपका फिंगर आएगा, फिंगर दे दीजिए, उसके बाद आप का कार्ड पिन चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए डालते हैं, यहाँ पर ये हमने पास कोड डाला। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर योर कार्ड पिन इज सक्सेसफुली चेंज, यानी कि हमारा कार्ड पिन चेंज हो गया। तो बहुत आसान तरीका है, आप जाकर के यहाँ पर कार्ड अपना, जो कार्ड पिन है आप चेंज करना चाहते हैं, उसको जाकर के आप चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मेरी जो नई वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा।